अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम नासम एंड डॉसबॉक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर एनी पर्पज और CS 401 सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले आपने ये फाइल्स डाउनलोड करनी है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इन फाइल्स को जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फाइल डाउनलोड कर लें, देन इसमें फोल्डर में ये दो फाइल्स होंगी, एक नासम एंड दूसरा डॉसबॉक्स की। तो सबसे पहले आपने नासम इंस्टॉल करना है, तो इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए, देन इसको डिफॉल्ट ही रहने दें, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद नेक्स्ट एंड दैट्स इट, क्लोज इट। उसके बाद ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा और इसका जो है शॉर्टकट भी यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप पे। उसके बाद हमने डॉस बॉक्स ओपन करना है एंड क्लिक ऑन यस, नेक्स्ट। क्रिएट शॉर्टकट करने के बाद नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो ये भी एक 2 सेकंड्स में ही इंस्टॉल हो जाएगा, देन क्लिक ऑन क्लोज। तो आप देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम नासम ओपन करते हैं, यू कैन सी कि ये ऑन हो चुके हैं एंड वर्केबल है। देन हम डॉस बॉक्स ओपन करते हैं, तो ये देख लें जी कि डॉस बॉक्स भी प्रॉपरली ओपन हो गया है एंड ये वर्क कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ यू नीड एनी अदर सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।